ये देखो दोस्तों, दूध और रोटी छोड़ के ये राइस और रोटी खाने लग गया। इस साइड में मैंने राइस और थोड़ी सी इसके अंदर रोटी मिक्स की थी, उसको राइस इतना पसंद है, और यहाँ पे मैंने इसके लिए दूध और रोटी रख दी। जो इसका दिल करे आज ना पेट भर के खाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। पिछली बार दोस्तों जब हम एक फार्म पे गए थे, एक सेटअप पे, वहाँ पे दोस्तों एक फीमेल बंदरी पड़ी थी जिसका नाम हेवेट था। आज हम दोस्तों टार्जन को उसके पास लेके जाएंगे। अगर एक दूसरे को उसने पसंद कर लिया तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, उसकी नाम जल्दी से शादी करवाते हैं। जावेद क्या बोलते हो? हेवेट यार। हाँ, वो शर्मीली नहीं थी? हाँ यार, उसे लेके चलते सौदे पे। टार्जन को लेके जाना है अभी। टार्जन को हम लेके जाएंगे, दोनों को आपस में मिलवाएंगे। अगर एक दूसरे को पसंद कर लिया ना तो फिर हम यहाँ से ना उसको सजाएंगे, दुल्हा बनाएंगे, उसकी शादी करवाएंगे। यार उसको क्यों लेके, हम क्यों लेके जाएं यार? समझ में आया? टार्जन तो भाई टार्जन है भाई, टार्जन को ही ले जाएंगे यार। लोग लड़के वाले को ले जाते हैं। अच्छा हाँ, मैं भूल गया यार, टार्जन यानी कहीं और मैंने रखा है यार। टार्जन हमने कहीं और रखा हुआ है यार, स्पेशल जगह पर। हाँ हाँ, गर्मी लगती है ना इसलिए। दोस्तों मैंने टार्जन को कोई और जगह रखा है, तो अभी हम उसको वहाँ से पिक करेंगे और सीधा ले जाएंगे। हेवेट फीमेल जो बंदरी है उससे हम मिलवाएंगे। अगर दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया ना तो फिर हम एक तारीख डिसाइड करेंगे। असद भाई जो उसके पास जो हेवेट फीमेल पड़ी है, फिर हम एक तारीख डिसाइड करेंगे और हम जल्दी से ना टार्जन की ना बारात उठाएंगे, उसकी शादी करेंगे, उसको कपड़े पहनाएंगे। बुफर शुफर भी तो लेके जाएगा, थोड़ी गाने शाने लगा, घोड़ा वगैरह उस पे ले जाएंगे। मुंह दिखाई रस्म भी होगी उनकी, सब कुछ होगा भाई। मुंह दिखाई के अच्छे भले पैसे लूंगा, वैसे अच्छे भले भाई इनके काम देखो। चलो यार एक काम करो, पेट्स को डाइट साइड खिला दे। खिला दिया भाई, 4 घंटे हो गया, अब हमें खाएंगे क्या? चलो ठीक है। बस दोस्तों अभी हम एक काम करते हैं, हम सीधा वहाँ निकलेंगे, बहुत ज्यादा लेट हो गए। दोस्तों आज आप लोगों से मैंने थोड़ी सी बातें शेयर करनी है, लेकिन मेरा दिल तो नहीं कर रहा था। कुछ लोग ना हेट देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अभी जो माहद मेरे साथ काम करता था कुछ पैसों के लिए, वैसे मेरा ऑलरेडी वो था ही नहीं, ना मेरा पार्टनर था ना मेरा कुछ और था। मैं इसको काम के लिए लेके आया था, तो इसका काम मुझे समझ नहीं आया, मैंने इसको भगा दिया। इसमें तो धोखे वाली बात बनती ही नहीं है, ये ऑलरेडी रोस्ट कर रहा है किसी और के कहने पे। मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ भी पड़ा है कि किन लोगों के साथ मिलता था, इसने मेरे पर्सनल बातें भी शेयर किया। तो अब आप लोगों के ऊपर फैसला है भाई कि जो मेरा नौकर हो ना वो मेरे आगे बोले और मेरे किसी के साथ कहीं मिला हो, मेरी बातें वहां शेयर करे, मेरी पर्सनल बातें वहां शेयर करे, वो बंदा इस लायक है कि मैं उसको अपने साथ रखूं? आप लोगों में से बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे थे कि यार समद भाई आपने ये कर दिया, आपने उसके साथ अच्छा नहीं कर दिया। तो देखो मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, तो ये बात थी। वैसे आप लोगों को भी पता है कितना मेहनत से मैंने दो जगह मेहनत की, एक जगह भी नहीं है। कुछ लोग पीछे से इसको बूस्ट करे कि यार आप समद के पीछे ना कुछ इस तरह बातें करो तो आपको वहां से फैन मिलेगा, ये मिलेगा। दोस्तों आप भी मुझे अच्छे से जानते हो, तो इस तरह फेक न्यूज फेक वीडियो पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करो। अगर आप बोलो मेरे पास इसके प्रूफ भी है कि ये यहाँ किसके साथ गया है, किसी और के जू गया है, वहां की मुझे पिक्चर, और मेरे पास ऑलरेडी गवाह भी है, मैं इतना आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरे पास महद के गवाह भी है कि वो किसके साथ मिलता है जुलता है, और इनके पीछे कौन है ना उनका भी मुझे पता है, उनका भी मुझे पता है कि यार क्यों करवा रहे हैं, कह रहा है आप समद को बदनाम करो, ऑलरेडी वो फैन उठाने की कोशिश में ना फेक वीडियो बना रहे हैं, तो आप इस तरह उस पर बिलीव ना करो। और हाँ दोस्तों मैंने आपसे एक थोड़ी सी और बात शेयर करनी थी, जो मेरा फैन है ना वो महद को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे, क्योंकि उसने ना बहुत ज्यादा बेगैरती की है और मेरी पर्सनल बातें शेयर किया, मुझे उसने इतना हर्ट किया ना यकीन करो, आप लोगों को पता भी नहीं है। जो मेरे फैन है ना वो आप मेरे यकीन करो, मैं आप किसी से मुझे उसे कोई भी गर्ज नहीं है, आप उसको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करो, क्योंकि इसको मैं ही लेके आया था, मैंने इसको ये सब कुछ सिखाया है और वो मैं आगे मेरे बोले तो आप लोग के ऊपर फैसला है। भाई मेरे जो भी फैन है ना मैं उनको हक नहीं देता कोई इस तरह गलत बंदे को सपोर्ट करे। तो यार कल तो टाइम ही नहीं मिला, जो 8 विनर थे मैंने उसके नाम ही अनाउंस नहीं किए, तो आज मैं उसके नाम भी अनाउंस करने वाला हूँ, और उनके लिए ना एक और भी मैंने ऑफर की है। तो मैं सबसे पहले वो जो 8 विनर है जिनसे मैंने पूछा था कि भाई वो कौन सा पेट्स था जिसको मैं रेस्क्यू करने गया था और इसकी डेथ हो चुकी थी, तो वो था ओरियो, जिसने सही बताया और जिसने तेज बताया, अभी मैं उसके नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले है रेहान खान भाई, सबसे पहले आपने बताया है, फिर है अब्दुल्ला ताहिर, और फिर है शेख रऊफ, और आबिद खान, और दुआ जराल, और है हाफिज़ उसामा हसन, और एक है अनाया फातिमा। ये 8 विनर है, तो इन 8 विनर के लिए मैं आज एक और सवाल पूछने वाले हूँ।
तो जिसने भी फुल तेज दिया चार उसमें से निकलेंगे, और जो मैंने आपको बताया था उन चार में से ना दो विनर होंगे। आज का सवाल ये है, जब मैं फैसलाबाद गया था और मैंने एक हॉर्स पे राइड किया था, तो उस हॉर्स का नाम क्या था? तो बस इन आठ जो विनर है ना उनके लिए वही चांस है भाई टॉप फोर में आने का। तो जल्दी से ना मुझे इंस्टाग्राम पे बता दो, और भी अगर किसी को पता हो तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे बता दो। मैंने दोस्तों अनस के यहाँ रखवाया था और जावेद को भेज दिया, वो देखो जावेद लेके आए। आज मैं दोस्तों टार्जन को कान में चुपके से बताऊंगा कि भाई आपके लिए ना पार्टनर ढूंढ लिया शादी के लिए, लेके आओ लेके आओ लेके आओ टार्जन। ओए ओए इधर आओ इधर आओ, बात सुनो इधर आओ, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, आपके लिए ना मैंने बात किया ठीक है, और तेरे तो बाल शाल भी है पड़े पप्पू बच्चा बना हुआ है तो यार। हम दोस्तों इसकी दोबारा कटिंग करवाएंगे और आप भी हम इसको ले जाएंगे हेवेट से मिलवाने, हेवेट आपको पसंद है? हल्का तो रस्ते में इसके लिए ग्लासेस वगैरह लेते हैं यार। नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम फिर से जाएंगे, अभी पहली बार मिलने जा रहे हैं, फेशियल वगैरह करवाते हैं इसको पार्लर में। लेट हो गया यार, खैर है वो एक दूसरे को पसंद कर लेंगे, मुझे पता है यार इतना प्यारा कैसे पसंद नहीं आएगा भाई यार, अगर इसे पसंद नहीं आएगा मैं शादी कर लूंगा यार। तौबा भाई तौबा, जावेद के कान देखो यार। चलो चलो टार्जन कहाँ पे थे आप यार, चलो चलो अभी आप यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, बाहर नहीं जाना। बस दोस्तों अभी हम पहुंच गए और सबसे पहले हम टार्जन को ना अपनी मतलब होने वाली वाइफ से मिलवाएंगे। टार्जन होने वाली कहां समझ भाई, अभी तो होएगी बातचीत होगी तो फिर होगी, मतलब वही पसंद आएगी अल्लाह के बंदे, अगर उसने इसे पसंद आ गया फिर नहीं करेगी यार, लेकिन वो बहुत शर्मीली है हमारा टार्जन, बहुत बड़ा शरारती। ओए ओए क्या हो गया इसको, उतारो उतारो जल्दी उतारो। बस दोस्तों आपने अभी एक दो मिनट वेट करना है और देखना भाई क्या होता है आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूं, तबीयत सब ठीक है? जावेद और सारी बातें छोड़ो, पहले हम इसको ना हेवेट से मिलवाएंगे। हेवेट आ गया भाई, पहले असद से बात करो। क्या हेवेट तैयार हो रही है? ये रही हमने देख लिया पहले से भाई, वो करो इससे मिलवाओ जरा। टार्जन जाओ 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 जाओ, ये कहाँ भाग रही है? वो उसे नहीं पसंद है। ये क्या हुआ भाई, पसंद आएगा क्यों नहीं यार, उसको जावेद पसंद नहीं है। असद भाई जावेद पसंद नहीं है उसको। हेवेट आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ये देखो ये देखो, इधर देखो इधर देखो, ये क्या हुआ भाई, दोनों को नखरे है यार। टार्जन के काम देखो नहीं पसंद है यार। हेवेट माशाल्लाह बहुत प्यारी है, देखो कितनी क्यूट है, साफ सुथरी। आप अपने टार्जन यार, एक बात है, हमने अपने टार्जन को ना हुआ बड़े बाल भी ब्राउन हो गए भाई, हमारा नहीं घूमता फिरता आपकी तो क्या यार, बेइज्जती हो रही है यार टार्जन की यार, इन्हें लाने लाके थक गया जाता मट्टी में रेडियो मारता, मैं क्या करूँ यार। यार यहाँ तो दोस्तों बेइज्जती हो रही है हमारे टार्जन की, देखो हेवेट मिलो यार, हेवेट माशाल्लाह। अच्छा चलो एक मिनट, एक चीज और देखते हैं, हेवेट गोरी है या टार्जन गोरा है? नहीं हेवेट तो लड़की तो वैसे भी गोरी होती है यार, फीमेल वैसे भी गोरी होती है यार। यार दोस्तों यहाँ पे ना हमारी बेइज्जती हो रही है यार, बस दुआ करो ना, एक दो इन दोनों ने पसंद करना है, हमने थोड़ी करना है। हम दोस्तों इसको यहाँ पे खुला छोड़ देंगे, छोड़ दो इसका भाई दिल धड़क रहा है। ये क्या हुआ भाई, हेवेट ने टार्जन को देख के भाग रही है, पता नहीं क्या हुआ। हेवेट चोट लगा टार्जन, टार्जन भी डर गया। ये क्या हुआ यार, या तो कुछ और ही सीन हो गया। चलो पसंद कर लो, चलो एक दूसरे को पसंद कर लो, चलो 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 चलो। टार्जन गंदा है यार, कर लेगा यार। चलो टार्जन इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात दोनों को दो मिनट में छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये खुद आपस में ना कर लेंगे। जाओ टार्जन करो, हेवेट की शादी की सामान वगैरह भी असद भाई लेके, असद भाई जरा दिखाओ क्या क्या लेके आए हो यार, हमने टार्जन के लिए अभी तक कोई चीज भी नहीं लिया। ओ जीवा, मैं तो कहता हूँ ये टार्जन को पहना देते हैं। ये देखो आ भी गया, ये लो टार्जन ये लो। नहीं भाई टार्जन को ये पसंद नहीं है, हेवेट का दूसरा सूट भी है। ओ एक नहीं दो दो सूट, अच्छा पैंपर, पैंपर भी है यार, सारे करते हैं यार जावेद। ये क्या है ये, अच्छा इसकी टोपी, अच्छा इसकी बीट्स हैं। वो जीवा यार, ये तो पूरी दोस्तों शॉपिंग हुई पड़ी है के, ये टॉप्स, वो टॉप्स भी है, ये देखो चूड़ियां, चूड़ियां भी है यार, ये देखो ये लॉकेट, हाँ जी ये इसका लॉकेट है भाई, ये नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश भी है, ये देखो यार, और ये वाली चूड़ियां भी है, और ये छोटी छोटी चूड़ियां भी है, और क्या क्या है असद? बस बाकी तो बहुत, इसका बेड भी है, बेड जरा उठा के लाओ भाई, इसका पूरा बेड भी है जहाँ पे ना टार्जन और हेवेट रहेंगे। तो बस एक काम रह गया, वो है ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, हम थोड़ा सा एक बार ट्राई करेंगे।
हैबिट जो है बहुत थोड़ी देर में हो जाएंगी, हो जाएंगे एक दूसरे के साथ खेलेंगे। छोड़ दो इसको, छोड़ो छोड़ो। देखो दोस्तों ये हमारे टार्जन और हैबिट के लिए ना असद भाई ने बेड लिया। छोटा नहीं है वैसे। सही है, ये भी तो छोटे है यार। बस टार्जन ने सारी चीजें गिरा दिया यार। ये देखो यार बेड तोड़ दिया यार टार्जन। यार इसीलिए भाई हैबिट को पसंद नहीं आता, टार्जन बहुत शरारती है यार। टार्जन ने तो बेड तोड़ दिया। बस पसंद हो गया भाई एक दूसरे को यार। चलें जी फिर, ठीक हो गया पक्का रिश्ता, पक्का हो गया ना जी। हाँ जी बस ठीक है। जावेद डोल शोल मुबारक हो भाई सबको। मिठाई की तरह मिठाई कहाँ है? मिठाई आप लड़के वाले लेके आते हैं जावेद यार, क्या करें। टार्जन के काम देखो सीधा हैबिट के पास पहुंच गई। ये देखो अब इसकी दोस्ती लग गई। बस हम अभी असद भाई से बात करते हैं कि भाई ना हमें शादी का डेट बताओ। ठीक है टार्जन बड़ा सीधा साधा, देखो चुप करके ना उसे सेट करने की कोशिश। मैं कहता हूँ इसको अंदर छोड़ो, सही दोस्ती लगा है इसको, यहाँ अंदर छोड़ दो। ठीक है टार्जन आ जाओ, जाओ जाओ हैबिट के साथ अंदर ना, पूरी यारी दोस्ती लगाओ ताकि बाद में हमें तंगी ना हो। जाओ अंदर जाओ, जाओ 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 अंदर जाओ। हाँ हैबिट आपसे ना शर्मा रही, देखो उसने पर्दा ले लिया, थोड़ा सा ना ध्यान करना ठीक है शरारती। बस दोस्तों आपने कमेंट्स में बताना है क्या हमारे हम अपनी टार्जन की शादी ना हैबिट से करवाए या नहीं करवाए, अपने कमेंट्स में ना जम के बताना। और जो मैंने आज सुबह से ना सवाल पूछा था तो वो भी आपने इंस्टाग्राम पे लाजमी बताना है। तो दोस्तों आज के व्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फुल शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।